क्या छोटे नवाब तैमूर अली खान बन सकते हैं बड़े भैया? क्या करीना कपूर खान जल्द ही देने वाली है गुड न्यूज? क्या ये नया बेबी ले जाएगा तैमूर का सारा अटेंशन? जहां बॉलीवुड इंडस्ट्री की चहल पहल थम सी गई है, जहां हर कोई अपने अपने घरों में कोविड-19 की वजह से कैद है, ऐसे में इंडस्ट्री से कुछ इंटरेस्टिंग या एक्साइटिंग न्यूज का मिलना मुश्किल हो गया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बॉलीवुड दीवा करीना कपूर खान को लेकर एक इंटरेस्टिंग न्यूज सामने आ रही है। दरअसल लास्ट दिसंबर में फिल्म गुड न्यूज से सभी फैंस को गुड न्यूज देने वाली करीना कपूर खान अब असल जिंदगी में भी गुड न्यूज देने जा रही है। जी हाँ, peepingmoon.com की रिपोर्ट्स के मुताबिक करीना कपूर खान सेकेंड बेबी को एक्सपेक्ट कर रही है। सोर्सेज के मुताबिक अब तक इस गुड न्यूज के बारे में सिर्फ और सिर्फ करीना के फैमिली और बी टाउन से जुड़े कुछ क्लोज फ्रेंड्स को पता है। लेकिन अब खुद करीना और सैफ अली खान ने यह शेयर कर कंफर्म किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका यह स्टेटमेंट है कि वी आर वेरी प्लीज टू अनाउंस दैट वी आर एक्सपेक्टिंग एन एडिशन टू आवर फैमिली। थैंक यू टू ऑल आवर वेल विशर्स फॉर ऑल देयर लव एंड सपोर्ट। सैफ एंड करीना, हमें ये घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम अपने परिवार में एक नए मेहमान की उम्मीद कर रहे हैं। हमारे सभी शुभचिंतकों को उनके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद, सैफ और करीना। रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि करीना कपूर खान जल्द से जल्द अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग खत्म करना चाहती है, ताकि इससे पहले उनका बेबी बंप ना दिखे। वेल, करीना कपूर खान ने इस लॉकडाउन के दौरान अपने फैंस को एंटरटेन करना नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा अपनी, सैफ अली खान और बेटे तैमूर अली खान की ढेर सारी पिक्स शेयर की। ये बात सभी को पता है कि तैमूर अली खान की सोशल मीडिया पर कितनी पॉपुलैरिटी है। हर कोई उनसे जुड़ी हर खबर को जानना चाहता है, उनके पिक्स को काफी सराहा जाता है। ऐसे में अब सोशल मीडिया यूजर्स का ये सवाल है कि क्या करीना कपूर खान और सैफ अली खान का ये आने वाला सेकेंड बेबी छीनेगा तैमूर अली खान की भी लाइमलाइट? क्या तैमूर और सेकेंड बेबी के बीच हो सकती है कड़े की टक्कर? आप हमें बताएं करीना के इस गुड न्यूज पर आपकी राय। पोस्ट करिए अपने कमेंट्स। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।